2024 का पहला सूर्य ग्रहण आज। क्यों खास है ये सूर्य ग्रहण? सूर्य ग्रहण में बढ़ती सावधानी। आज अप्रैल यानी आज सोमवार को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण मीन राशि और रेवती नक्षत्र में लगने जा रहा है। साल का पहला सूर्य ग्रहण चैत्र अमावस्या के दिन लग रहा है। ज्योतिषियों की माने तो सूर्य ग्रहण खगोलीय घटना है। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य की दृष्टि पूरी तरह या आंशिक रूप से अवरुद्ध हो जाती है। ग्रहण काल के दौरान आसपास की हर चीज प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में आज के दिन लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, इसका सूतक काल कब मान्य होगा, क्या भारत पर इसका कोई असर पड़ेगा? साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च को लगा था, वही साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल यानी कि आज लग रहा है। पंचांग के मुताबिक यह सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को रात्रि 9:12 से शुरू होगा और मध्य रात्रि यानी कि 9 अप्रैल को 2:22 पर समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण की तरह ही साल का पहला सूर्य ग्रहण भी भारत में नहीं दिखाई देगा। हालांकि इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा, यानी कि सूर्य ग्रहण लगने के 12 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है और ग्रहण लगने के बाद तक इसका प्रभाव रहता है। चलिए अब आपको बताते हैं आखिरकार सूर्य ग्रहण क्या होता है। ग्रहण एक प्रकार की खगोलीय घटना है। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य की रोशनी पूरी तरह या आंशिक रूप से छिप जाती है। इस तरह की घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। आखिरकार क्यों खास है ये सूर्य ग्रहण? इस साल का पहला सूर्य ग्रहण अपने आप में ही खास माना जा रहा है। आज लगने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा और ये काफी लंबा सूर्य ग्रहण माना जा रहा है। हालांकि ये ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा, बल्कि कनाडा, उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको में दिखाई देगा। इस पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत दक्षिण प्रशांत महासागर से होगी। इससे पहले इस तरह का सूर्य ग्रहण वर्ष 1970 में दिखा था और अगली बार साल 2078 में दिखेगा। सूर्य ग्रहण में क्या सावधानी बरते? ग्रहण काल में सामान्यतः सूतक लग जाता है और इस काल में बहुत सारी सावधानियों का पालन करना पड़ता है। हालांकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए नियमों के पालन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। गर्भवती महिलाओं को चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रहण काल में क्या करना लाभकारी होगा? पहला, ग्रहण काल में मंत्र जाप करना, ध्यान करना विशेष लाभकारी होगा। दूसरा, ग्रहण काल में की गई पूजा निश्चित रूप से स्वीकार होती है। तीसरा, मंत्र सिद्ध करना या दीक्षा लेना ग्रहण काल में विशेष शुभ होता है। चौथा, ग्रहण के बाद स्नान करके किसी निर्धन को दान अवश्य करें। सूर्य ग्रहण की राशियों पर प्रभाव। इस ग्रहण का प्रभाव अगले एक महीने तक दुनिया पर पड़ेगा। अलग अलग राशियों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण कर्क, कन्या, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि के लिए मध्यम फलदायी रहेगा। वहीं वृषभ, मिथुन, तुला और मकर राशि के लिए परिणाम उत्तम होंगे। वहीं मेष, सिंह और धनु राशि वालों को विशेष सावधानी रखनी होगी। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।